गुड मॉर्निंग। और अब हमारा डे टू जो है वो शुरू हो गया है। कल की जो बारिश भरी रात थी उसके बाद आज जो सुबह हुई है वो थोड़ी क्लाउडी सी है। अभी 7 बजा हुआ है सुबह का। हम लोग निकले हैं ब्रेकफास्ट ढूंढने के लिए। तो कल एक्चुअली जो हम लोगों ने डिनर किया वही टाको जो खाए थे उससे हम लोग का काम हो गया था, भूख नहीं लगी थी। बर्गर था A&W से पैक कराया था तो वो अभी सुबह ही खा लिया हम लोगों ने, कल नहीं खाना पड़ा उसको। तो यहाँ से हम लोग अभी जा रहे हैं, एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है नाश्ते का, देवी डोसा कंपनी, देवी डोसा कंपनी। तो वहाँ पर जा रहे हैं, डोसा और वड़ा इडली खाएंगे। इंडियन शॉप्स यहाँ बहुत सारी हैं तो अगर आप आते हो तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है आपको। जैसे ये देखो बगल में ही रहा, ये टेस्ट ऑफ इंडिया, इस तरह से बहुत सारी इंडियन शॉप्स हैं और खाने पीने का हर तरह का है, मतलब सस्ते से महंगा सब कुछ है यहाँ पर, अच्छा है। तो आज का जो हमारा जो मेन पॉइंट होने वाला है वो है हमारा लिन कैनियन का ट्रैक। तो लिन कैनियन जो है वहाँ पर एक सस्पेंशन ब्रिज रहेगा, उसके बाद ट्रैक रहेगा, 2-3 चीज़ें और से रहेंगी अंदर। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। इसका ही बड़ा भाई है कैपिलानो ब्रिज, जो कि बहुत मतलब यहाँ के सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। तो कैपिलानो ब्रिज में भी सस्पेंशन ब्रिज जो है वो बहुत लंबा है और काफ़ी सुंदर है वो, बट उसका जो कॉस्ट है वो है $62 पर हेड। तो हम लोग अभी उसमें नहीं जा रहे हैं क्योंकि उसमें हम लोग जाएंगे जब उसमें लाइट्स होंगी। तो अगर आप गूगल करो कैपिलानो ब्रिज लाइट्स तो बहुत सुंदर लाइटिंग रहती है अंदर क्रिसमस के टाइम पर। वो देखो बिल्डिंग, अभी तो लाइट्स नहीं होंगी, फेब और नवंबर दिसंबर में लाइट रहती है, और जनवरी में भी, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 4 महीने लाइट रहती है। तो अगर आप भी बजट ट्रैवल कर रहे हो तो बिल्कुल हाईली रिकमेंडेड है कि लिन कैनियन जाओ, कैपिलानो ब्रिज नहीं। भाई साहब ये तो है कि इतना सुंदर शहर, अरे ये देखो मतलब ग्रीनरी और फ्लावर्स वगैरह तो एकदम इस तरह से हैं यहाँ पर, बहुत ही सुंदर है। तो सुबह की वॉक अगर ऐसे जगह पर कर ली तो दिन की शुरुआत अच्छी ही होगी। क्या कहती है, दिन की शुरुआत कैसी होगी? बस बारिश ना हो ना। ये देखो यहाँ पर ये वाली बाइक्स होती हैं, हम लोग आज चलाएंगे तब आपको और डिटेल्स दूंगा इनके बारे में। जैसे अपने एडमंटन में लाइम बाइक और बर्ड बाइक्स हैं उस तरह से ही है, लेकिन ये ई बाइक्स नहीं है। इसकी ई बाइक्स ये वाली नहीं थी, ये तो पैडल वाली बाइक्स थी। ई बाइक्स भी आती हैं, इसकी दूसरी होती है। Can we get something to eat? Okay. क्या ले रही हो? Thank you. Lunch के बराबर breakfast करके आ गए हम लोग वहाँ से। थाली मिलती है जिसमें इडली, एक बड़ा और मिनी डोसा। मिनी डोसा मतलब जैसे अपना नॉर्मल हम लोग घरों में डोसा बनाते हैं ना उतना बड़ा, उसको मिनी डोसा बोलते हैं। वो था वो $15 का और $8 की एक प्लेट थी, उसमें एक इडली एक बड़ा या दो इडली या दो बड़ा ऐसे ले सकते। मैडम ने एक चाय ली। अब जा रहे हैं हम लोग सीधा लिन कैनियन। सुबह उठते सबसे पहला काम मैंने ये कराया था कि हम दोनों के जो कंपास कार्ड्स थे उसमें डे पास लोड कर दिया है। जो वेबसाइट है कंपास पास की, कंपास कार्ड की, उसमें ही जाके आप तो वहाँ से ही डायरेक्ट उन्होंने लोड कर दिया। अब हम लोग आज के दिन में अनलिमिटेड जितनी बार भी बस में बैठना चाहें, बस या फेरी या ट्रेन जो भी है तो सब इंक्लूडेड हो गया है उसमें। आप हम लोग अपने पहले स्टॉप पर पहुंच रहे हैं। अब यहां से हमें 240 बस नंबर जो था उसको पकड़ के अपने होटल से 30 स्टॉप पार करके यहां आ गए। यहां से हमें 227 पकड़नी है और वो थोड़ी देर में आ जाएगी और थोड़ी देर में पहुँचा भी देगी लिन कैनियन इकोलॉजी सेंटर। वहाँ से हम लोग पैदल चल के जाएंगे। मौसम देखो यार, इतनी सुंदर ग्रीनरी, इतने सुंदर फूल, इतना सुंदर मौसम है,
कि मतलब देख के लग रहा है, फिर से ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, देख के लग रहा है किसी ने सेट बनाया हुआ है, मॉडल तैयार किया हुआ है कि कितना सुंदर बना सकते हो किसी चीज़ को। बहुत ही अमेजिंग है, बहुत लकी हैं वो लोग जो यहाँ रह रहे हैं। काश कभी मौका लगे कि यहाँ पर शिफ्ट होने का टाइम आए। मैं तो प्रे करूँगी कि जल्दी से जल्दी यहीं शिफ्ट हो जाओ। थैंक यू। तो हम लोग जिस बस में बैठे थे अभी, वहाँ से चार स्टॉप आ गया के उतर गए। क्या जगह है यार ये, ऐसा लग रहा है जैसे किसी हेवन। इट्स सो ड्रीमी यार, ऐसा बहुत ही सुंदर है। स्वर्ग है यार ये, स्वर्ग। क्या जगह है ये देखो। वो जो रास्ता आपको दिख रहा है पीछे, वहाँ हमें जाना है। लिन सस्पेंशन ब्रिज वाला जो पार्क है, लिन पार्क, वहीं पर है। 4 मिनट चलना है यहाँ से। मुझे तो कोई बोल दे कि 4 घंटे चलना है, तो मैं वो भी चल लूँ अभी। Safety precautions which we should take while going into Lynn Canyon. दोनों पैरों में एक जैसे जूते नहीं पहनने हैं, अलग अलग जूते दोनों पैरों में। Shut up! But इस तरह के दोनों नहीं होने चाहिए। क्या जगह है भाई ये। वाह, वाटरफॉल्स की आवाज हर तरफ से सुनाई दे रही है। ये वाला इट्स अ वॉशरूम। हां, वॉशरूम है और कैफे भी है यहीं पर एक। थर्टी फुट पुल की तरफ चलना है। नहीं, पहले ट्विन फॉल्स ब्रिज की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर सस्पेंशन ब्रिज पार करते ही 2-3 ट्रेल्स जा रही हैं। तो 30-foot पुल, ट्विन फॉल्स, और फिर एंड में सबसे लंबी जो जर्नी है वो है राइस लेक तक की। तो सोचा तो हम लोगों ने हुआ है राइस लेक करने का, तो पहले हम लोग यहाँ से ट्विन फॉल्स करके जो ट्रेल है उसको हम लोग पकड़ते हैं, और अगर वो टाइम पर हो गई तो फिर दूसरी तरफ जाके राइस लेक और पाइपलाइन ब्रिज, आई थिंक ऐसे करके कुछ चीज़ें हैं, उसको भी करेंगे। नहीं, 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 नहीं।
वो ट्विन फॉल्स जो ब्रिज था, उसके बाद हम लोग पीछे नहीं गए तो वापस ऊपर चढ़ के काफ़ी सीढ़ियाँ थी, अब वो चढ़ के हम वापस से एंट्री में ही पहुँच जाएंगे लिन कैनियन की, तो फिर से सस्पेंशन ब्रिज आएगा, बट हम सस्पेंशन ब्रिज पार करके दूसरी तरफ को जाएंगे, तब हम देखेंगे राइस लेक क्या है। तो हम लोग इस जगह से पूरी परिक्रमा लगा के वापस से ये वाला बोर्ड जो था उस पर आ गए, और पहले गए थे हम लोग राइट साइड को, अब हम लोग ये वाला ट्रेन पकड़ेंगे। किसी ने देखो नॉट काटने की कोशिश की है, मुझे लगा तुम वहीं से आ रही हो। ना आप लोगों को इस टाइम इसमें दिख रहा होगा वीडियो में, उससे लाखों गुना सुंदर ये जगह हमें आँखों से इस टाइम दिखाई दे रही है। ये जो पेड़ है बिल्कुल अनरियल, मतलब जो इंस्टाग्राम की जो टिपिकल वीडियोज होते हैं ना ट्रैवल वाली जो लोकेशंस के, ये वही लोकेशंस है जो हमें देखने में कभी भी मिलती नहीं है, केवल इंस्टाग्राम में दिखती है, तो वो आज हमें रियल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग किसी सपने की दुनिया में हैं। आई थिंक 25-30 मिनट चले होंगे सस्पेंशन ब्रिज के आगे पहुँच गए। हम लोग अब पहुँच गए हैं राइस लेक, वहाँ पीछे जो बोर्ड है वहाँ से लोग फिशिंग कर रहे हैं। फिश डक कुछ तो है, रुक जा रुक जा, कर लेना तो ये देखो, अब यहाँ से ना दूसरा ही ट्रेल शुरू हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर हैं राइस लेक पे, ऊपर अगर आप देखो तो सेमोर वैली ट्रेलवे उस साइड को जा रहा है, मतलब ट्रैकर्स का तो पैराडाइज है ये। हम लोग पाइपलाइन ब्रिज होते हुए बस स्टॉप पहुंचेंगे और वहां से बस लेंगे, उसके बाद कहां जाएंगे वो आप अभी देखिएगा। और ये है पाइपलाइन ब्रिज, अब हम लोग अपने बस स्टॉप पहुंच गए। देखो कितना अलग ही जगह है ये, यहाँ से 228 नंबर जो बस है वो हम पकड़ेंगे, जैसा आपको बताया हम जाएंगे फेरी के थ्रू, तो 228 बस पकड़ के लॉन्सडेल के फेरी टर्मिनल जो है उसमें जाएंगे, वहाँ से फेरी पकड़ेंगे, फेरी पकड़ के वाटर फ्रंट फेरी टर्मिनल जो है वहाँ जाएंगे, मतलब वही कनाडा प्लेस जहाँ पर फ्लाई ओवर कनाडा में गए थे उसके पास जो पानी वाला एरिया था वहीं पर फेरी जाएगी। और ये फेरी भी ट्रांजिट का ही पार्ट है, मतलब ट्रांसलिंक के थ्रू ही ऑपरेट होता है, तो कंपास कार्ड या टिकट बस के जो हैं वो सारे के सारे फेरी पर भी चलते हैं। चलो हम भी चलते हैं, अभी बस आने में 15 मिनट है, सैंडविच खिला दो।
आज हमें लिन कैनियन का पूरा सर्किट कंप्लीट करना था, तो कल रात ही हमने फ्रेशो से ब्रेड, कुकुम्बर, टमाटो और सॉस ले लिया था, एंड देन ये सैंडविच बना के हम लेके आ गए। नेक्स्ट थी बस 4 मिनट। टिकट नहीं हमारे पास, तो कंपास कार्ड है। कनाडा प्लेस में, कनाडा प्लेस तो चल ही रहे हैं, बट आप लोग देखो हर चीज़, मतलब हम लोग फर्स्ट टाइम वैंकूवर आए हैं और हर चीज़ आप गूगल मैप और हर चीज़ से इतना ज़्यादा तगड़ा इंटीग्रेशन है इनके ट्रांजिट का कि सब उसी सिस्टम के हिसाब से चल रहा है, एक मिनट का भी कहीं डिले नहीं हो रहा। वाटर फ्रंट में तो हैं हम लोग।